आबादी नजर आ जाए। उस पार आप लोगों ये तस्वीरें आप देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे, काल भैरव मंदिर की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और काल भैरव का आशीर्वाद लिया। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और साधु संतों और महंतों की तरफ से कई सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहा गया था कि जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचते हैं तो पहले काल भैरव मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद ले। और जब भी आप देखिए कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचता है उससे पहले काल भैरव के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हैं, मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर बाकी अलग स्टेट के जब कोई बड़े लीडर यहां पर पहुंचते हैं। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही पल पहले की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, साधु संतों से मुलाकात करके उन्होंने यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। और साथ ही आसपास आप देखिए बीजेपी कार्यकर्ता, बनारस की जनता जिन्होंने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अब काफिला कलेक्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ गया है बस कुछ ही मिनट, और जिसके बाद में आप वो तस्वीरें भी देखेंगे जब प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। रामगोपाल का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल बताइए आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या हालचाल आपके आसपास? बिल्कुल, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट में एंट्री करेंगे वहीं पे मैं मौजूद हूं और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अभी एंट्री किए हैं और वो कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जा चुके हैं और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि यहाँ पहुंच चुके हैं तो प्रधानमंत्री भी अपना नामांकन करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब बस कुछ ही पल का इंतजार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी यहां से जस्ट अभी वो एंट्री किए हैं और अब देखिए अब जो काफिला है प्रधानमंत्री के आने के पहले का एक जो काफिला चलता है वो काफिले के कुछ सुरक्षा की गाड़ियां अब धीरे धीरे आती हुई यहां पे दिखाई पड़ रही हैं, यानी कि अब से कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री यहाँ आके अपना नामांकन करेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री अब अंदर जा चुके हैं और जो प्रस्तावक हैं वो पहले से अंदर जा चुके हैं तो अब प्रस्तावक और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष ये अंदर वहां पे मौजूद हैं। इसके बाद अब प्रधानमंत्री जब सीधे आएंगे तो यहीं पे इसी गेट पे वो यहां पे उतरेंगे और यहीं से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए फिर वो अंदर कलेक्ट्रेट परिसर में चले जाएंगे जहां पे वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे अभिवादन करेंगे, यहाँ पे स्वागत करेंगे। अब वो बस वो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी की, उस पल की जब यहाँ पे आए और अब पहुंच चुके हैं क्योंकि आज 11 राज्य के मुख्यमंत्री साथ ही 20 केंद्रीय मंत्री इस वक्त काशी में मौजूद है। जब नामांकन होगा प्रधानमंत्री का तो वो भी शामिल रहेंगे। आस्था हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई है कलेक्ट्रेट के बाहर से। आस्था अब बस कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं कलेक्ट्रेट। जी, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है अमनदीप, प्रधानमंत्री का काफिला कलेक्ट्रेट पहुंच गया है और लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है उसको देखकर। प्रधानमंत्री मोदी कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं और बिल्कुल आप इस वक्त वो वही काफिला देख रहे हैं, ये उसका रियर एंड है जो उसकी पीछे गाड़ियां होती हैं, इस वक्त आप उसको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, एंट्री कर ली है प्रधानमंत्री मोदी ने कलेक्ट्रेट में। अब वो परिसर के अंदर दाखिल और वहीं पर उनके प्रस्तावक और उनके नॉमिनेशन में जो हाई प्रोफाइल बड़े चेहरे एनडीए के घटक दलों के और भाजपा के बड़े चेहरे हैं वो सभी अंदर उपस्थित हैं। बड़ी खबर यह है इस वक्त न्यूज 18 पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आ चुके हैं और आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पे लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है और इस अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री का काफिला अब इस वक्त आगे बढ़ रहा और यहीं पे गेट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उतर जाएंगे और यहाँ से कार्यकर्ता वहां पे मौजूद है तो वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। अब देखिए कई लोग उनका पहले से इंतजार कर रहे थे क्योंकि बनारस वासियों में खासा उत्साह होता है प्रधानमंत्री को देखने का, एक एक झलक पाने के लिए लोग काफी घंटों इंतजार भी करते रहते हैं। और देखिए सड़क के दोनों तरफ हाथों में मोबाइल लेकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, और जब प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरेंगे तो माना जा रहा है कि इन सभी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए आपको नजर आएंगे।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए गाड़ी से उतर गए हैं, कलेक्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अंदर तमाम बड़े लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं और बस कुछ ही पल बाद अब वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो कलेक्ट्रेट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18। तो नामांकन स्थल से लगातार लाइव कवरेज जारी है। रामगोपाल, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट के अंदर, बस कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इसी गेट से प्रधानमंत्री ने एंट्री की है और वो इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जा चुके हैं। और चूंकि उन्होंने जब वो वहां पे उतरे तो जो भाजपा के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, भाजपा के वर्कर मौजूद थे, उनका उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। अभिवादन स्वीकार करने के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश किए हैं। जो SPG के जवान थे, SPG की गाड़ियां हैं, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देखिए कि जो सुरक्षा घेरा है वो बेहद सख्त हो चुका है, चूंकि इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही यहाँ पे पहुंच चुके थे, वो लोग अंदर वहां पे मौजूद हैं। और अब इस वक्त प्रधानमंत्री ने जो नामांकन किया है और जो चारों तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर और साथ ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट और सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए ये देखिए और आगे बढ़ रहे हैं कलेक्ट्रेट की तरफ। अंदर कई सारे नेता उनका इंतजार कर रहे हैं, पार्टी के कई दिग्गज नेता। और ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है 2014 की, जब बनारस से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, जीत दर्ज की। उसके बाद में दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 2019 की, और 2019 में भी बनारस से ही प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा था और जो मार्जिन था, वोटों का अंतर था, वो और ज्यादा बढ़ गया था। और अब तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दावा यही BJP का कि इस बार जो जीत का अंतर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे, 2014, 2019 और 2024 की, ये तीन तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। और साथ ही अब कुछ ही देर में 2014 और 2019 जैसी ही आप तस्वीरें देखेंगे जब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरी बार बनारस से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हालांकि इस बार BJP के कई कद्दावर नेता कलेक्ट्रेट के अंदर प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी नेता पहले पहुंच चुके थे। 11 राज्य के CM और साथ ही 20 केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक, तमाम बड़े जो लीडर्स वो भी इस वक्त कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद है। साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। और साथ ही आप बनारस की जनता का उत्साह देखिए कि एक एक झलक पाने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है, बड़ी संख्या में लोग घंटों पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि